गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे आप सब। तो वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग उपम डॉट मोना ब्लॉग में आप लोगों को सभी को स्वागत है। तो अभी दोपहर हो चुका है, तो अभी मेरा टाइम खेलेगा उसके बाद सोएगा। तो अभी मैं खाना बनाने के लिए जा रही हूँ, तो खाना बनाऊंगी मैं अभी, तो आपको लोगों के साथ थोड़ा बहुत शेयर करूंगी, तो बने रहिए आप मेरे साथ। तो ये है आलू, तो आलू का इसमें मैं आलू दम बनाऊंगी। तो ये है, आप लोग क्या बोलते हैं मेरे को पता नहीं, लेकिन हम लोग का बंगाली लैंग्वेज में इसको, बंगाली भाषा में इसको बोलता है। जैसे कि मैंने इसमें स्क्वॉश लिया है, और ये है आपका, मैं अभी भूल जा रही हूँ क्या, एलेंचा। हाँ ठीक, तो आपका लैंग्वेज में क्या बोलता है पता नहीं, तो आप देख के पहचान सकते हैं इसको। तो इस तरीका का है, और मेरे पास वो भी है, थोड़ा बहुत मैंने रख दिया, मैं बाद में दिखाऊंगी आप लोगों को। तो अभी मैं खाना बनाती हूँ, क्योंकि मेरे पास ट्राइपॉड वगैरह कुछ नहीं है, तो मोबाइल रखने के लिए कोई सिस्टम नहीं है। तो खाना बनाते बनाते मैं अभी कुछ नहीं दिखा सकती हूँ मोबाइल पकड़ के, तो बाद में हम मिलते हैं, खाना बना के मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस फाइनली मैं आ चुकी हूँ खाना खाने के लिए। तो आप देख सकते हैं ये टेस्टी हुआ है, देखने में भी अच्छा ही दिख रहा है, मेरा स्टाइल का है। अभी सब लोग अलग अलग खा सकता है, तो मैं इस हिसाब से बनाती हूँ, तो मेरे को अच्छा लगता है, क्योंकि आज तो सैटरडे है ना, तो हम लोग आज मतलब वेज खाते हैं। फ्राइडे सैटरडे दो दिन हम लोग का निरामिष होता है, तो बाकी डे हम लोग निरामिष नहीं खाते, तो दूसरा कुछ भी चलता है। तो दो दिन, तो इसलिए स्पेशली मैं यही ज़्यादा दिन यही बनाती हूँ, और कड़ी पत्ता से मेरे को पसंद होता है। तो गैस मैं खाना खा लेती हूँ, क्योंकि बहुत जोर से भूख लगी है, खाना खाते खाते बात नहीं कर सकते, पहले खाना कंप्लीट करते उसके बाद मैं आज केक बनाऊंगी, तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी रेसिपी, मतलब मैं किस हिसाब से बनाती हूँ, तो बहुत ही सिंपल तरीके से, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो मिलते हैं, बनी रहे मेरे साथ। तो गाइस मैं बहुत लॉन्ग टाइम बाद आई हूँ, तो क्योंकि हम लोग यहाँ पर करंट चला गया था सुबह 4 बजे से, अभी 8:30 बजे अभी आई है करंट। तो अभी मैं केक में वो करूंगी, अभी उसका बैटर मैं रेडी करूंगी, तो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मैं। तो प्लीज आगे तक देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। देख सकते हैं मैंने इसमें मतलब ले लिया है, तो इसमें मैंने मैदा लिया है, और ये है दूध, और ये है आपका चीनी, और ये है ऑयल। तो अभी मैं इसमें 1 कप मैदा डाल रही हूँ, और इसके बाद मैं इसमें अभी कितना दूध चाहिए होगा उसी हिसाब से मैं दूंगी। देखिए मैंने 1 कप मैदा में अभी आधा कप ही इसमें दूध डाला है, तो थोड़ा अभी मैं नहीं डालूंगी क्योंकि ऑयल भी है, तो इसमें मैं चीनी ऐड करूंगी। तो इसमें आधा कप से थोड़ा ज्यादा मैंने चीनी लिया है, तो मैं अभी इसको अच्छे से मिक्स करूंगी, और इसमें मिक्स करने के बाद मैं बेकिंग पाउडर वगैरह डालती हूँ, मैं पहले मिक्स कर लेती हूँ आते हैं। तो गाइस मेरे को और थोड़ा दूध चाहिए, तो मैं इसमें और थोड़ा दूध ऐड कर रही हूँ, मतलब जितना चाहिए होगा उसी हिसाब से मैं ऐड करूंगी। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें और थोड़ा रख दिया, तो अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी, तो फिर आते हैं। ये मैंने बेकिंग पाउडर लिया, इसमें आधा चम्मच से भी थोड़ा कम है, तो क्योंकि मेरा इसमें मैदा 1 ही कप है ना, तो मैं उसी हिसाब से ली हूँ, तो आप भी उसी हिसाब से ले सकते हैं। और मैं इसमें थोड़ा बेकिंग सोडा जो है वो ऐड करूंगी, थोड़ा ज्यादा नहीं, जैसे कि देख सकते हैं भी इतना ही ऐड कर रही हूँ बेकिंग सोडा, ज्यादा मैं ऐड नहीं करूंगी क्योंकि इसमें कम है ना, क्योंकि 1 कप ही मैदा है, तो उसी हिसाब से ऐड करना पड़ता है। तो अच्छे से मैं इसको मिक्स करूंगी अभी। गाइस मैंने ये ऑलरेडी मिक्स किया हुआ है, मतलब जो दूध मैदा और चीनी, क्योंकि ऑयल को मैं बाद में दे रही हूँ इसलिए, क्योंकि ऑयल देने से ना चीनी जल्दी से नहीं गलता है। जो लोग मिक्सी में मिक्स करके लेता है तो एक साथ वो डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास तो मिक्सी नहीं है ना, तो इसकी वजह से मैं मतलब ऑयल को मैं बाद में ही डालती हूँ। तो अभी मैं ऑयल डाल रही हूँ, तो देख सकते हैं ये
हबका भी लिया है मैंने ऑल, एक कप मैदा में हबका भी लिया है। तो मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। मुझे ना बेटर थोड़ा पतला लग रहा है तो इसकी वजह से मैं इसमें और 2 स्पून जो मैदा है वो मैं ऐड करती हूँ। मैंने इसमें और 2 स्पून इसमें और मैदा ऐड किया क्योंकि मुझे बेटर ना थोड़ा पतला लग रहा है। तो मैं अभी इसको अच्छे से मिक्स करके बाद में आती हूँ, आप लोग को दिखाती हूँ बेटर कैसा हुआ केक का। तो देख सकते हैं गैस मेरा ये मतलब मिक्स करते करते ये भी खुल गया है, खराब हो गया। तो मैं हाथ से करूंगी। तो अभी मेरा बेटर बन के रेडी हो चुका है, तो आपको मैं दिखाती हूँ कैसा चाहिए बेटर केक के लिए। तो आप ऐसा हाथ में लीजिए तो इसमें देख सकते हैं, तो इस टाइप का ही बेटर चाहिए हमें केक के लिए। तो अभी मेरा बेटर बन के रेडी हो चुके हैं, तो अभी मैं इसको 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही मैं रख दूंगी, उसके बाद मैं इसको बिठाऊंगी। और मैं केश में बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास ओवन नहीं है, तो मैं केश में इसमें ब्रेक मतलब गैस में करूंगी। तो आप लोगों को दिखाती हूँ बेक हो के आगे। तो गाइस देख सकते हैं मेरा बेटर बन के रेडी। तो ये देख सकते हैं मैं ऐसे ही रख दिया इसको, तो मैं अभी निकाल रही हूँ, दिखाती हूँ आप लोगों को। तो गाइस देख सकते हैं मैंने इसको काट दिया, लेकिन ये थोड़ा टाइम रखना चाहिए था, और थोड़ा रखने से थोड़ा ज्यादा स्पॉन्जी होता क्योंकि ये थोड़ा स्पॉन्जी हुआ है देख सकते हैं आप, क्योंकि इसमें बबल्स भी रह गया था शायद, क्योंकि जल्दी जल्दी में सब कुछ इतना ठीक नहीं होता है। तो इस तरीके का ही हुआ है, इतना भी मुझे ठीक नहीं लग रहा है क्योंकि मैंने पहले भी बनाया था तो इतना भी ठीक नहीं हुआ था। तो ये मैं जस्ट चलेगा लेकिन उतना अच्छा नहीं हुआ। तो गाइस मेरा केक उतना अच्छा नहीं बना इस बार, मैंने लास्ट टाइम भी बनाई थी, 2-3 बार बना चुकी हूँ, पहले भी बनाई हूँ, लेकिन इस बार थोड़ा टाइम रखना चाहिए था। मैं उसको जल्दी जल्दी में क्योंकि लेट हो रहा था ना तो जल्दी जल्दी में निकाल दिया, तो इसकी वजह से थोड़ा और ब्रेक करना चाहिए था ताकि और भी अच्छा होता, कलर भी अच्छा होता। लास्ट टाइम जो किया था वो भी कलर अच्छा ही आया था, ये थोड़ा टाइम रखना चाहिए था। तो गाइस मैं ब्लॉग को और लॉन्ग टाइम करना नहीं चाहूंगी, और भी बहुत सारा काम है, बाबू सो रहा है, तो इसलिए मैं अभी स्टार्ट की हूँ ताकि मैं इसको एंड करूँ। तो ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करना चाहूंगी। तो प्लीज जो भी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ही मैं आगे मोटिवेट होकर वीडियो बनाऊंगी ना। तो प्लीज गाइस सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आगे आप लोगों के साथ और भी कुछ शेयर कर सकूं। तो आज के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे एक नया ब्लॉग के साथ।